आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। बिहार में महिलाओं के साथ अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कटिहार में घटित हुई दो वारदातें इस बात की तस्दीक करती हैं। पहला मामला बरारी थाना क्षेत्र का है, जहां 10 रुपए का लालच देते हुए एक मासूम से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, तो दूसरी तरफ मंदसौर थाना क्षेत्र एक विवाहिता का सिर मुंडवा दिया गया। बरारी थाना क्षेत्र के एक गाँव के बघियार में घास काटने गई एक मासूम को 10 रुपए का लालच देकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में पीड़िता की मां ने बरारी थाने में केस दर्ज कराया है। दर्ज मामले में कहा गया है कि गांव में जिले के कदवा थाना क्षेत्र के धतुरी चौधरी उर्फ दयानंद चौधरी मजदूरी का काम करता है। सोमवार को लड़की घास काटने खेत गई थी, जहाँ 10 रुपये देकर बहला फुसला कर धतुरी ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिसिया कार्रवाई जारी है। मंदसौर थाना अंतर्गत किसान चौक बड़े बथना गांव में पारिवारिक विवाद में पति सास व ससुर ने मिलकर विवाहिता का सिर मुंडवा दिया। सड़क किनारे जबरदस्ती महिला के बाल काटे जाने का वीडियो बनाकर राहगीर ने वायरल कर दिया। जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पति सास ससुर व नाई को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक किसान चौक के सुखाणी महतो की पत्नी मीना देवी का उसके पति सास ससुर व परिवार के अन्य सदस्यों ने जबरन सिर मुंडा दिया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता के पति सुखाणी महतो, ससुर लालू महतो, सास मनाकी देवी व सिर मुंडने वाले नाई योगेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया।